हेलो एवरीवन दिस शिष्य शिवानी कौशल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबीसी के बारे में इससे पहले हमने पढ़ा था ब्लड के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं तो आपको जैसे पता ही है ब्लड के टू मेन पार्ट्स होते हैं पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स तो जो प्लाज्मा होता है वो 55 परसेंट होता है और जो ब्लड सेल्स होते हैं वो 45 परसेंट होते हैं ब्लड सेल भी हमारे पास मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं पहला होता है आरबीसी फिर डब्ल्यू और एक और होता है ब्लड प्लेटिलिट्स आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स डब्ल्यू मींस सी मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स और हमारे पास ब्लड प्लेटिलिट्स होते हैं तो आज हम लोग मेनली क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आरबीसी के ऊपर ठीक है तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आरबीसी और रेड ब्लड सेल तो इसका अदर नेम क्या होता है एरिथ्रोसाइट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू काउंट नंबर ऑफ आर तो आरबीसी को काउंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है तो इसका आंसर है हीमोसाइटोमीटर द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वेन पर्सन इज स्लीपिंग वट इज द इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ आर बी सी मीन्स जब पर्सन सो रहा होता है तो आरबीसी के नंबर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है तो जो आरबीसी का नंबर होता है वो रिड्यूस हो जाता है कम हो जाता है द नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द इफेक्ट ऑन आरबीसी एज वी गो टू हाई एल्टीट्यूड जब हम ऊंची ऊंची जगहों पे जाते हैं तब आरबीसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम ऊंची जगहों पे जाते हैं उस टाइम जो हमारे अंदर आरबीसी है वो इंक्रीज हो जाता है बढ़ जाता है द नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी तो आरबीसी के ग्रेवयार्ड को क्या कहते हैं ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान तो जो आरबीसी का कब्रिस्तान होता है उसे क्या कहते हैं स्प्लीन कहते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है स्प्लीन को कहा जाता है द नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आर तो आर बी रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन कितना होता है तो ये 120 डेज का होता है 120 डेज बाद ये फिर से न्यू बनने लग जाते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट आर हमारे अंदर सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी कौन सा है तो इसका आंसर है मस्क डियर द नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द शेप ऑफ आरबीसी आरबीसी का क्या शेप होता है आरबीसी बाइकॉन के शेप का होता है द नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस इज डैश इन आरबीसी जो न्यूक्लियस होता है आरबीसी में वो कैसा होता है तो हमारे पास आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है तो इसका आंसर आएगा एबसेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वट इज कॉल्ड एज इफ नंबर ऑफ आर बी सी डिक्रीजेस अगर हमारे अंदर आरबीसी डिक्रीज हो जाए तो उस टाइम पे उसे क्या कहा जाता है तो जब हमारे अंदर आरबीसी का नंबर डिक्रीज होता है तो हम उस बीमारी को कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपेनिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया इज कॉस्ड बाई डेफिशिय ब्लड सेल तो एनीमिया ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमें खून की कमी हो जाती है तो जिसको खून की कमी होती है उसको हम बोलते हैं अनीमिया है तो अनीमिया कौन से ब्लड सेल के की डेफिशिएंसी की वजह से होता है मीन्स हमारे अंदर कौन से सेल की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया होता है तो इसका आंसर है आरबीसी जब हमारे अंदर आरबीसी कम हो जाते हैं तो हमें एनीमिया हो जाता है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में